ग्राफिक्स कार्ड की इंडस्ट्री में कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रोसेसर की इंडस्ट्री में ना बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि इंटेल का 12 जनरेशन का बजट कैटेगरी का प्रोसेसर ना मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करें ना, तो एकदम टाटा बाय बाय इंटेल का 10 जनरेशन, इंटेल का 11 जनरेशन बजट कैटेगरी के अंदर 30-35,000 के अंदर भी आप इंटेल का 12 जनरेशन प्रोसेसर का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बहुत बेहतरीन अच्छा बिल्ड बनवा सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो यहाँ पे बहुत कमाल का होने वाला है। और हम लोग इंडियन है, फ्री कमाल पे हम लोगों का ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अगर आपको भी एक गेमिंग हेडफोन चाहिए फ्री पे, ये वाला गेमिंग हेडफोन, तो आज ही हम लोगों का गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई और उनके बहनों कस कस सीडवेल बांध लो, और अगर हो सके तो वीडियो को एक फटाफट से लाइक कर देना, हम लोग का जो लाइक है मैं इसको कंप्लीट कर देना। और अगर आप किसी तरीके गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड व्यू देखने में मजा आता है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिमिर, आप देख लो लूप होल्ड यानी टेक की अंदर की बात। बट बिफोर दैट, अगर आपको अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करवाना है तो आप इनका वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो है techpc7.in। यहाँ पे आपको कुछ बेहतरीन प्री बिल्ड पीसी एंड कस्टम पीसी बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म को चूज करके प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम और बाकी का सारे कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करके अपने लिए एक बेहतरीन कस्टम पीसी बिल्ड बनवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको सिंगल पीसी पार्ट्स बाय करना है तो भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया पे ये लोग शिपिंग करवाते हैं। अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल बनवाना चाहते हो तो आप एक बार जरूर से इनका वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग बात कर रहे हैं बजट कैटेगरी के अंदर एक पीसी बिल जो आपको 30-35,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे नया नया है ना, तो थोड़ा सा आपको प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर जब एक दो मंथ पुराना हो जाएगा ना, यही बिल्ड आपको 30,000 के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 30-35,000 मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको 35,000 के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है इंटेल की तरफ से i3-12400F। अब इसके अंदर आपको 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर ना कोई भी पी कोर ई कोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली सारे यहाँ पे आपको पी कोर देखने को मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलेगा। 3.3 GHz का बेस, 4.3 GHz का यहाँ पे बूस्ट क्लॉक स्पीड के साथ आता है। 12 MB के यहाँ पे इंटेल का स्मार्ट कैश देखने को मिल जाएगा। DDR4 DDR5 दोनों रैम को ही सपोर्ट करता है। जिस मदरबोर्ड के साथ लगाओगे उसी रैम को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला प्रोसेसर बजट के अंदर है कि आपको बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो एमडी कंप्यूटर के अंदर ये वाला प्रोसेसर आपको 10,850 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी लॉन्च हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। इन फ्यूचर इसका प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा, तब आप इसको लेंगे तो और भी अच्छा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। लेकिन अगर आप अभी लेना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 10,850 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे इंटेल का 12 जनरेशन के अंदर जो सबसे बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड है वो आता है H16 का मदरबोर्ड, ठीक है। ASUS की तरफ से प्राइम H16 ME D4 ये वाला मदरबोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो बजट के अंदर रह के। आपको यहाँ पे इंटेल का 12 जनरेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस वाले मदरबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पे ये वाला मदरबोर्ड हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। थोड़ा ज्यादा आगे जाके ना ये वाले सारे मदरबोर्ड आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, इससे भी बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको DDR4 रैम का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको 2 NVMe का स्लॉट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जनरेशन 4 का, ठीक है, PCIe Gen 4 का सपोर्ट मिल जाता है। तो बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, 2 RAM स्लॉट के साथ आता है, टोटल आप 64 GB तक रैम इसके अंदर लगा सकते हो। अब इस वाले मदरबोर्ड की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको प्राइम ABGB के ऊपर 7,400 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, ये जो सभी कंपोनेंट है ना, ये अभी नया लॉन्च हुआ है, तो इसका इन फ्यूचर प्राइस थोड़ा बहुत कम होने वाला है। प्रोसेसर की बात करो, मदरबोर्ड की बात करो, तो उस कंडीशन में आपका ये बिल्ड ही 30,000 के अंदर भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़े यहाँ पे 2-3 महीने बाद प्राइसिंग भी थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे रैम की बारे में बात कर लेते हैं। अब रैम के अंदर आपको यहाँ पे 3200 MHz का रैम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंटेल का 12 जनरेशन का जो प्रोसेसर है ये 3200 MHz का रैम को सपोर्ट करता है DDR4 प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3200 MHz का रैम का इस्तेमाल करो। ADI की तरफ से XPG D30। अब इस वाले रैम का क्या ही कहना भाई, बजट के अंदर काफी अच्छा चीज ये ऑफर करता है। हीटसिंक के साथ आता है, 3200 MHz इसका क्लॉक स्पीड है, और इसको आप ओवर क्लॉक भी कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इंप्रेस कंप्यूटर के अंदर ये वाला रैम आपको 2,700 रुपए का देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा डील है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टोरेज की बारे में बात कर लेते हैं। रुक जाओ भाई, ग्राफिक्स कार्ड बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, स्टोरेज के बारे में बताने के बाद भी मैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टोरेज के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि आप एक NVMe या फिर SSD का इस्तेमाल करो, मिनिमम SSD का इस्तेमाल करो, आज के टाइम में ये एकदम रिक्वायरमेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस बिल्ड के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप एक NVMe का इस्तेमाल करो, 256 GB का PNY की तरफ से ये वाला NVMe काफी अच्छा आपको वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है। अब देखो ये वाला NVMe SSD बजट कैटेगरी का है, तो इतने ज्यादा हाई फाई आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। 1700-1500 का यहाँ पे
रीड राइट स्पीड आपको देखने को मिलता है, लेकिन साटा जो एसएसडी होता है ना उसका तो 500 एमबीपीएस होता है, तो भाई उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वाला एनवीएम एसएसडी, और करीबन करीब आपको वहाँ पे साटा एसएसडी का प्राइसिंग पे ही देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना आप इस वाले एनवीएम एसएसडी का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इसका जो प्राइसिंग आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो ये वाला एनवीएम एसएसडी आपको क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर 2500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। बहुत सही डील है, डेफिनेटली आप इसको इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। तो अभी नेक्स्ट फाइनली हम लोग बात करेंगे भाई, तो अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। अब देखो यहाँ पे एफ वेरिएंट का प्रोसेसर है, तो ग्राफिक्स कार्ड को आपको लगाना ही पड़ेगा डिस्प्ले पर्पस के लिए। ठीक है, अब ऐसा ग्राफिक्स कार्ड मत लगाओ जिसके अंदर आप गेमिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको आप डेफिनेटली इंक्लूड करना है इस बिल्ड के अंदर। अब यह आता है क्वाड्रो सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड, एनवीडी की तरफ से क्वाड्रो T400। अब इस वाले ग्राफिक्स कार्ड के साथ ना आप GTA टाइप के गेम्स जो है इसके साथ आप 100 FPS भी अचीव कर सकते हो 1080p नॉर्मल सेटिंग के अंदर, तो काफी। अब देखो GT 1030 से ये वाला ग्राफिक्स कार्ड बेहतर है। ठीक है, GT 1030 का सोच रहे हो या फिर 730 4G वेरिएंट का, काफी लोग यहां पे देखते हैं कि GT 730 4G वेरिएंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे पता नहीं, ज्यादा यहां पे VRAM होता है ना तो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको GT 730 के अंदर एकदम बेकार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा गेमिंग के अंदर। इससे बेहतर आप GT 1030 है और उससे बेहतर आपका क्वाड्रो T400 है। तो क्यों ना आप क्वाड्रो T400 का इस्तेमाल करो बिल्ड के अंदर। GT 1030 का जो प्राइसिंग है और क्वाड्रो T400 का जो प्राइसिंग है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इसी ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करो। इसके अंदर आपको GDDR6 का VRAM देखने को मिलता है, 2GB का VRAM यहां पे मिल जाएगा और लेटेस्ट जनरेशन पे यहां पे बेस करके आपको ये वाला ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है। वेदांत कंप्यूटर के अंदर 7750 रुपए का देखने को मिल जाता है, काफी सही डील है, डेफिनेटली इसको इंक्लूड करना आप इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट अपने पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो मैं आपको यहां पे रेकमेंड करूंगा कॉर्सियर की तरफ से आप 450 वाटेज का 80+ जोन सर्टिफाइड वाला पावर सप्लाई का इस्तेमाल करो। कॉर्सियर का भाई पावर सप्लाई बहुत डिसेंट होता है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, काफी यहाँ पे मोटा भारी भरकम होता है और सारे केबल ना ब्रीडेड केबल के साथ आता है। टोटल आपको यहाँ पे 3 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया पावर सप्लाई है, इसको आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इंप्रेस कंप्यूटर के अंदर ये वाला पावर सप्लाई आपको 2600-700 रुपए का आराम से देखने को मिल जाता है। फाइनली यहाँ पे इस बिल्ड का फाइनल कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो होता है इसका कैबिनेट। अब देखो जो अमेजोन के अंदर रिसेंटली सेल चल रहा था ना उसके अंदर जो लोग यहाँ पे कैबिनेट को ले लिया भाई बहुत कमाल का चीज किया, क्योंकि उन लोगों को ये वाला कैबिनेट जो मैं भी रिकमेंड करूंगा ना बहुत कमाल का प्राइसिंग में देखने को मिल गया। बाकी अगर आप नहीं लेते हो अमेजोन सेल के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर भी एक अच्छा कैबिनेट का रिकमेंड कर रहा हूं जिसको आप ले सकते हो इस बेल्ट के लिए। एंड स्पोर्ट्स की तरफ से IS211TG। अब ये वाला कैबिनेट को मैंने इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि 12 जनरेशन का ये वाला प्रोसेसर है, थोड़ा बहुत एयर फ्लो भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि ये वाला प्रोसेसर ना थोड़ा हॉट रन करता है। अब देखो बजट कैटेगरी के अंदर भी रहना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईफाई कैबिनेट के अंदर हम लोग नहीं जा सकते। अगर आप पैसा लगाते हो तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बजट के अंदर है कि आप इस वाले कैबिनेट का इस्तेमाल करोगे सामने की तरफ आपको थोड़ा बहुत एयर फ्लो देखने को मिल जाएगा क्योंकि एक फैन सामने की तरफ है, पीछे एक फैन और थोड़ा बहुत आपको मैस भी देखने को मिल रहा है, तो एयर इनटेक होगा सामने से। साथ ही आपको यहाँ पे PSU सराउंड देखने को मिल रहा है, ग्लास पैनल देखने को मिल रहा है, ऊपर डस्ट फिल्टर मिल रहा है और यहाँ पे RGB का आपको टसन मिल रहा है, सामने RGB यहाँ पे स्ट्रिप देता है, तो दो फैन भी यहाँ पे RGB का है, तो काफी सही ये वाला कैबिनेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बजट के अंदर ये वाला कैबिनेट आपको काफी सही चीजें ऑफर करता है, इस वाले कैबिनेट का डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं इस बिल्ड के अंदर। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये वाला कैबिनेट आपको इंप्रेस कंप्यूटर के अंदर ही देखने को मिलेगा 2700-800 का, तो काफी अच्छा डील है, डेफिनेटली इसका परचेस कर सकते हो इस बिल्ड के लिए। तो ये जो सारे कंपोनेंट मैंने आपको सजेस्ट किया ना अभी इस पीसी बिल्ड के लिए, इन सारे कंपोनेंट का जो टोटल कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा वो है 36,700 के आसपास। अब देखो 32-36,000 मैंने बताया, 35,000 बताया, तो 36,000 है, तो इतने ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसी बिल्ड को अगर आप थोड़ा बाद में बनाते हो, एक दो महीने बाद बनाते हो ना, तो ये वाला भी आप जो बिल्ड है ना आपको 30,000 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि प्राइस थोड़ा ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे 32-35,000 बजट के अंदर अगर आपको बिल्ड करना है इंटेल का 12 जनरेशन के ऊपर, आपको बेस्ट यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। अभी इंटेल का 10 जनरेशन 11 जनरेशन को भूल जाओ, अभी 12 जनरेशन आ गया, तो बहुत सही है यहाँ पे गेमर्स प्लस यहाँ पे जो सभी लोग हैं उनका प्रोडक्टिविटी जो सभी काम होता है आपके लिए उसके लिए बेस्ट ये वाला एक बिल्ड रहता है 32-35,000 के अंदर। आई होप ये वाला वीडियो से आपको एक अच्छा गाइडेंस मिला कि 12 जनरेशन के ऊपर रह के आप बजट के अंदर भी रह के एक अच्छा पीसी बिल्ड कैसे बना सकते हो, कौन कौन सा कंपोनेंट आपको इस्तेमाल करना है। बाकी आप नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगा आपको इस वीडियो को देख के, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।